सभी भाइयों को सुरेंद्र सनसनीवाल की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम। आज बहुत ही शानदार पशु जो कि शो क्वालिटी के दूध की लाइन के बहुत ही मैं कहूँगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और काफ़ी पुराना काम भाई साहब का, जैसा कि हमें आते ही बताया इन्होंने, और लगभग काफ़ी पुराना काम है भाई का, सेल परचेज का भी। और जो पशुओं की जो क्वालिटी है वो आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, बहुत ही सुंदर झोटियाँ जो कि सामने आपको वीडियो में दिखाई दे रही हैं डिटेल से, पहली बार की भी है, दूसरी बार की भी है, और शायद एक झोटी वो जो लास्ट में है तीसरी बार की है भाई, एक तीसरे ब्यांत की है। तो तीनों पशु बहुत ही सुंदर और शो क्वालिटी के हैं और रेगुलर भाई साहब के पास मिलते रहते हैं ऐसे पशु। डिटेल से भाई से जानकारी लेंगे, गाँव के बारे में पूछेंगे, पशुओं के बारे में पूछेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले तो भाई साहब नमस्कार। भाई साहब पहले तो नाम जानना चाहेंगे भाई साहब अपना। नरेंद्र ढूल भाई साहब। नरेंद्र ढूल भाई साहब, ये गांव कौन सा है? गांव बाणा है भाई साहब, तहसील पुंडरी है, डिस्ट्रिक्ट कैथल है। अच्छा, बाणा गांव है, पुंडरी तहसील है और कैथल जिले में है। कैथल जिले की काफी सारी वीडियोज आजकल हमारे चैनल पे आ रही है और बहुत ही अच्छे एनिमल यहाँ से आपको निकल रहे हैं, काफी हाइट लेंथ के और अडर की क्वालिटी बहुत शानदार निकल के आ रही है। पहले हमारी राय होती थी कि कैथल जिले में ज़्यादा अच्छे पशु नहीं मिलते, लेकिन अभी जैसे जैसे घूम फिर रहे हैं, देख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे पशु यहाँ से निकल के आ रहे हैं। तो भाई साहब ये जो पहले ब्यांत की झोटी एक नंबर पे खड़ी हुई है, कितने दिन की ब्याई है भाई साहब? ये 9 तारीख को ब्याई थी भाई साहब, शाम 9 तारीख को शाम को। आज कितने दिन की होगी? लगभग 11 दिन की होगी सुरेंद्र भाई, 14 लीटर दूध मौके पर तैयार भी है। अच्छा, 14 लीटर दूध तैयार है। फीमेल का नीचे कटड़ी है, कटड़ी भी बहुत ही शानदार है, ये देखिए 14 दिन की कटड़ी भाई साहब बता रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारी में है कटड़ी, काफ़ी हेल्दी है, बिल्कुल जेड ब्लैक पूंछ है बैस झोटी की भी और कटड़ी की भी। खोल के दिखाना भाई साहब इसको, बहुत ही सुंदर कटड़ी है पहले ब्यांत की। कितने दांत तो है भाई साहब? 2 दांत, 2 दांत बिल्कुल छोटे सिंह की। देखिए चेहरा बहुत ही सुंदर कटड़ी का और 2 दांत, 14 किलो दूध, मात्र 11 दिन की ब्याई हुई। अडर देखिए बहुत ही अच्छा, थनों की क्वालिटी भी बहुत ही शानदार है, ये देखिए चाल बिल्कुल शरीफ। और जो पशु ये सराफत चलने में दिखाता है, ज़्यादा भागता दौड़ता नहीं है, वो दूध भी काफ़ी लंबे टाइम देता है, जिसमें एग्रेसिव वगैरह है नहीं, कोई सिस्टम लग रहा झोटी में, और काफ़ी शरीफ दिखाई दे रही है। क्या मैले से लगी भाई साहब कड़ से? भाई साहब अभी नहीं लगी। तो क्या उम्मीद करते हैं, कितना दूध निकाल देगी भाई साहब? देखो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से देना चाहिए इसको 17 किलो दूध नॉर्मल भाई साहब। 17 किलो दूध देना चाहिए, 2 दांत कटड़ी 17 किलो दूध अगर देती है तो किलो आज मौके पे तैयार है सुरेंद्र भाई, 11 दिन की ब्याई में, तो मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी है। 15 किलो से ऊपर दूध देने के बाद पहले ब्यांत की झोटी बहुत शानदार होती हो जाती है, और पहले ब्यांत में 15 किलो दूध देने वाली झोटी अगले ब्यांत में तीसरे चौथे ब्यांत तक मैं कहूँगा 22-23 किलो दूध पे चली जाती है। ये देखिए अडर बहुत ही सुंदर है और थन देखिए बिल्कुल चारों अलग अलग काफ़ी दूरी पे हैं, शो क्वालिटी के। मैं कहूँगा कंपटीशन वगैरह में अगर पार्टिसिपेट कराना हो तो जो ये थन होते हैं इनको काफ़ी पसंद किया जाता है जजों के द्वारा। ये देखिए चारों थन बिल्कुल अलग अलग, और जो मिल्क पैन है वो भी वीडियो में दिखाई दे रही होगी आपको, बहुत ही अच्छी है। तो दूध की लाइन की भी अच्छी और ब्यूटी की भी अच्छी, ये देखिए बहुत ही बढ़िया। और ये दूसरे ब्यात वाली भाई साहब? हाँ, ये सेकंड लैक्टेशन की भाई साहब, आज मौके पे 18 किलो दूध तैयार है, 13 दिन की ब्याई है। 13 दिन की ब्याई में 18 किलो दूध, साथ में कटड़ा के कटड़ी? कटड़ा है भाई साहब, साथ में कटड़ा है इसका भी। देखें आप अडर बहुत बेहतरीन है, थोड़ा सा सींग मैं कहूँगा खुला भी नहीं कहेंगे तो ज़्यादा छोटा भी नहीं कहेंगे, जो आज हम कटड़ी देख रहे हैं पहले ब्यात की, इसके मुकाबले में जो है थोड़ा सा खुला दिखाई दे रहा है। खोल के दिखाना भाई साहब, मैले से लग चुकी है ये? हाँ, ये मैले से कल लगी भाई साहब, कल चली है मैले से। तो ये देखिए बहुत ही बेहतरीन अडर की क्वालिटी, बच्चे के लिए थोड़ा भाग रही है झोटी, और अडर देखिए बहुत ही शानदार, सारे थन के ऊपर, सारे अडर के ऊपर नसें तनी हुई हैं, और बहुत ही शानदार शो क्वालिटी का जो मैं कहूँगा अडर बहुत बेहतरीन है। चौड़ा अडर है पैरों के बीच का, और चौड़ाई काफ़ी अच्छी है अडर की, दूध भी मेरे ख्याल से 20 किलो से कम ये भी नहीं रहनी चाहिए, कल ही मैले से लगी है। तो ये देखिए बिल्कुल बहुत ही शरीफ दिखाई दे रही है, इसके साथ कटड़ा बताया ना भाई साहब? हाँ भाई साहब, ये कटड़ा है इसके साथ में, बहुत ही साफ सुथरे पशु हैं। लगभग ऐसे ही पशु भाई साहब के पास मिलते हैं रूटीन में, और ये देखिए अडर बहुत ही बढ़िया, और जो नशे हैं अडर के ऊपर वो काफ़ी हैं,
इधर से देखेंगे तो इतनी नसों वाला जो पशु है वो दूध एक बार थोड़ी सी हलाना, ये देखिए नसें काफ़ी मोटी मोटी नसें हैं, मिल्क वैन भी काफ़ी मोटी है, और इतनी नसों वाला जो पशु मैं बात कह रहा था कि बहुत बढ़िया दूध निकालता है। ये देखिए चौड़ाई जो है अड्डर की और जो टाइटनेस है अड्डर में बहुत है, काफ़ी जोशीले अड्डर की है और बहुत ही शानदार है। ये देखिए नसें सारे अड्डर के ऊपर मोटी मोटी नसें जो कि दूध के करेक्टर्स बता रहे हैं, धोटी के बहुत ही बढ़िया है और 20 किलो दूध तो मेरे ख्याल से आराम से ही निकालना चाहिए। 18 किलो भाई साहब पहले ब्यांत में दिया इसमें, पहले ब्यांत में 18 दिया है। हाँ हाँ। फिर तो 22-23 का आईडिया है भाई साहब, 22-23 तक भी चली जाएगी फिर तो। और ये भाई साहब तीसरे ब्यांत वाली, तीसरे ब्यांत की भाई साहब ये खींच से खाली की है, नीचे फीमेल गाप है इसके। अच्छा खीस से खाली किया तो भाई साहब एक टाइम चोली खीस से खाली कर, भाई साहब खाली की है खीस। तो इसकी क्या रिपोर्ट है, कितना दूध निकाल देगी? इसने पिछली बार भाई साहब 19 किलो दूध दिया, उसके बाद देखते हैं क्या देगी क्या ना। देखो कुछ नहीं कह सकते फिलहाल इसके बारे में, लेकिन हमारे हिसाब से देना चाहिए इसको भी 20-21 किलो दूध। 20-21 किलो दूध, पुट्ठा बहुत ही शानदार है, बिल्कुल खड़े पुट्ठे की है। खीस से खाली करके जो ऑर्डर दिखाई दे रहा है वो भी बढ़िया दिखाई दे रहा है, ये देखिए। और सुरेंद्र भाई 10-12 दिन में तैयार होएगी जाके। हाँ 10-12 दिन में। और जो ब्लैकनेस है आप दूसरे दो पशु हैं उनकी तुलना करेंगे तो काफ़ी काफ़ी ब्लैक कलर है, बाल भी काफ़ी हैं शरीर के ऊपर। और ये देखिए ये भी काफ़ी शरीफ दिखाई दे रही है, धोटी बिल्कुल ही शांत और बहुत बढ़िया। तो जो क्वालिटी का जो पशु रखता है उनके पास लगभग क्वालिटी के ही एनिमल आपको मिलेंगे, और जो लो क्वालिटी के एनिमल रखते हैं, बिक्री जिनकी सेल परचेज का काम लो क्वालिटी के पशुओं का है, उनके पास लो क्वालिटी के ही मिलेंगे। तो बहुत ही शानदार और बेहतरीन तीनों के तीनों पशु भाई साहब के पास। और भाई साहब कितने साल हो गए अपने को ये काम करते हुए? तीसरी पीढ़ी हो गई भाई साहब अपना ये काम करते हुए। अच्छा आपके पिताजी भी दादाजी भी और अब आप संभाल रहे हैं? 13-14 साल मेरे को भी हो गए भाई साहब। अच्छा 13-14 साल हो गए, ठीक है। 16 साल का लग गया था भाई साहब ये काम करने में। अच्छा तो भाई साहब इनका रेट वगैरह भी बताएंगे हमें पशुओं का? नहीं रेट तो सुरेंद्र भाई जैसे दूध तैयार करती जाएगी रेट बढ़ते जाएंगे, आपको भी पता है इस बात। हाँ 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 मौके का रेट होगा। हाँ मौके का, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन, लेकिन हम तो यही कहेंगे जिस भाई को लेनी है दो टाइम मिल्किंग करो, अगर अच्छी लगे तब ले भाई साहब। बिल्कुल सही बात है, दो टाइम मिल्किंग के बिना तो फायदा भी नहीं है कोई भाई साहब। बिल्कुल भाई साहब। तो भाई साहब अभी पशुओं को फीड में क्या दे रहे हैं आप? खड़ और छिलका दे रहे हैं भाई साहब, खड़ बिनोले की और चने का छिलका। खड़ और चने का छिलका बस दो ही आइटम दे रहे हैं? दो ही डालते हैं भाई साहब, चने की चूरी दलिया वगैरह कुछ नहीं देते? नहीं बस गुड़ डाल देते हैं। अच्छा अच्छा तो भाई साहब ये जो पशु हैं इनको लगभग कहाँ अपने ज्यादा पशु बेचने का भी है क्या, जैसे गाड़ी लोड कर दी या कुछ? गाड़ी तो नहीं, वैसे भाई साहब कस्टमर अपने जो पंजाब के भी हैं, गुजरात के भी हैं, हिमाचल के भी हैं, हाँ हाँ राजस्थान के हैं, दिल्ली के तो वैसे पुराने जुड़े हुए हैं जो हमारे से, फरीदाबाद है, दिल्ली है। तीन पीढ़ी होगी तो जुड़ाव तो काफी लोगों का होगा साथ में भाई साहब, जैसे ज्यादातर सफाई के पशु बेचते हैं 20 या 25 महीने में। अच्छा अच्छा जी। और ऐसे ही लगभग पशु रखते हैं? हाँ टॉप क्वालिटी भाई साहब, लाख से बाहर का पशु खरीदते हैं, लाख से अंदर नहीं लेते। अच्छा अच्छा ठीक है। तो लगभग 20 किलो दूध की भैंस कितने पैसे की सेल हो जाती है भाई साहब? 20 किलो दूध की 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में भाई साहब, 1.5 से 2 लाख के बीच में। बहुत सारे भाई हमसे 5,000 रुपए लीटर के हिसाब से पशु मांगते हैं, तो ये कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि 5,000 रुपए में एक लीटर दूध के 5,000 रुपए दें और जैसे 20 किलो दूध की भैंस 1 लाख रुपए में मिल जाए, ये कोई पॉसिबल बात है ही नहीं। जो भी ये कह के पशु बेचते हैं मेरे ख्याल से वो धोखा ही करते होंगे, और ना ये क्वालिटी होगी। जो अच्छी क्वालिटी रखना पसंद करता है, अच्छी भैंस रखिए आप, 10-20 हज़ार में कोई महंगा सस्ता पशु होता नहीं है। अगर आप अच्छी भैंस रखेंगे तो आपके घर पे जो कटड़ा कड्डी तैयार होगा उसकी कीमत भी अच्छी होगी, तो आप गौर करें इन चीज़ों का। और काफ़ी पुराना काम भाई साहब का, जैसा कि बताया तीसरी पीढ़ी आज चल रही है, और पशुओं की क्वालिटी भी आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार क्वालिटी के पशु हैं, बहुत ही सुंदर हैं। और रेट भी मैं कहूँगा भाई साहब का कहना है कि जैसे जैसे दूध, जैसे कि ये झोटी है 23 किलो 22 किलो दूध पे चले जाएगी तो रेट कुछ और होगा, और आज 18 किलो दूध पे है तो रेट कुछ और है। तो बहुत ही शानदार पशु भाई साहब के पास, ऐसे पशु बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं रेगुलर, पता नहीं भाई साहब कहाँ से निकाल के लेके आते हैं, काफ़ी पुराना काम है तो कहीं ना कहीं से भाई साहब ऑटोमेटिक फ़ोन आ जाते हैं बंदों के पशु बेचने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई साहब, आपका मोबाइल नंबर भी बताएं भाई साहब। हाँ भाई साहब 999-6565-00636 ठीक है। तो ये मोबाइल नंबर, हाँ हाँ एक नंबर और
92 91 42 4 times 0 34 ठीक है। तो ये मोबाइल नंबर भाई साहब के नीचे स्क्रीन में भी चल रहे हैं, जो भी पशुपालक भाई भैंस लेने के इच्छुक हैं, भाई साहब से संपर्क करना चाहते हैं, पशुओं से संबंधित कोई भी बात पूछना चाहते हैं, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आप भी हमें ज़रूर कमेंट्स में बताना कि आपको ये जो भाई साहब ने बहुत ही शानदार पशु परचेज कर रखे हैं ये कैसे लगे। और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं। और अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा जो पेज है उसको ज़रूर लाइक करें, ताकि यहाँ भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा से एक बार फिर कहूँगा, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि आपको ये पशु कैसे लगे। सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार।